ताजपुर पुलिस ने दो दिन पहले हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने युवकों के पास से भारी मात्रा में दुकान से चुराया गया सामान बरामद किया है, जबकि घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दो दिन पहले बाजपुर के रामराज रोड के जगभूषण चुक की ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट की दुकान से अज्ञात चोरों ने लाखों का सामान चोरी कर लिया था। इस दौरान दुकान मालिक ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को देकर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। वहीं चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए रहीश अहमद, सैफ अली, भूपेंद्र अल्ताब और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चोरी में शामिल दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस को युवकों के पास से 21 बाल्टी और 24 कैन मोबिल ऑयल और 5 लोहे के एक्सल बरामद हुए हैं। वहीं अब पुलिस ने युवकों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। इस दौरान मामले में जानकारी देते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है, साथ ही फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कान से मोबाइल स्पेयर पार्ट्स की चोरी हुई थी और इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 5 टीमें हम लोगों ने बनाई थी और अलग अलग एक में CCTV फुटेज खंगाले गए हैं, कुछ कॉल रिकॉर्ड्स को देखा गया है, पुराने लोगों से पूछताछ की गई है, साथ ही साथ जो पुराने चोर हैं या पैरोल पे छूटे मुलजिम हैं उनसे पूछताछ की है। उसके आधार पर हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, पूछताछ की गई और इनसे सारा सामान भी बरामद किया गया है। इसी के साथ 2 अन्य लोग भी उसमें फरार हैं। जो पकड़े गए हैं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।